नमस्कार बंधु, आपणकु स्वागत। आपण जदि आपणक जीवन रे किछि परिवर्तन आणिबाकु चाहुछंती, किछि ज्ञान अर्जन करिबाकु चाहुछंती, आपणक जीवनकु सरस सुंदर करिबाकु चाहुछंती, एही भली वीडियो आपण सबुबेले देखंतु। एही भली वीडियो माध्यम रे आपण किछि ना किछि शिखिबा पाए निश्चय पाइबे। आजिर वीडियोटी रहिछि पांच महापाप विषय रे। पांच महापाप कौन कौन, आउ से पांच महापाप को जे करे ताकु केउ फल मिले, चलंतु जानिबा से पांच महापाप कौन कौन। पांच महापाप भितरु प्रथम महापाप हेउछि ब्रह्म हत्या। आपण जदि कौनसी परिस्थिति रे पड़ि केउ ब्राह्मण को हत्या करुछंती, से होछि गोटे महापाप। ब्रह्म हत्या से छोट पाप नुह, ब्रह्म हत्या महापाप। आपण कौनसी परिस्थिति रे भी पड़ी ब्राह्मण को केबे हत्या करंतुनि, ब्रह्म हत्या महापाप। द्वितीय पाप होची सुरापान। आपण प्रत्येक लोक देखिथिबे मद्यपान करुछंती। आजिकालि जुगरे समस्ते कहिबाकु गले मद्यपान, मद्यपान पांच महापाप भितरु एक महापाप, जे कि सबुठारु बड़ महापाप रे गणित होइछि मद्यपान। मद्यपान छोटो पाप नुहे, बड़ पाप महापाप। तेणु मद्यपान रु दूरे कि रहिबा पई आपण सबुबेले चेष्टा करंतु। आपणक पुओ झियो सांग साथी बंधु बांधव समस्तंकु मद्यपान रु दूरे रखंतु, आउ निजे मध्य मद्यपान रु दूरे रुहंतु, आउ एई बड़ महापाप रु दूरे रुहंतु। तीन नंबर महापाप हेउछि स्वर्ण चोरी। जो लोक माने कौनसी परिस्थिति रे पड़िकी खाइबा अभावरु हो, जे कौनसी अभावरु हो, जे कौनसी परिस्थिति रे पड़ी जदि स्वर्ण चोरी करुछंती, सुनार चोरी करुछंती, तेबे आपणकु महापाप हबो। स्वर्ण चोरी भी एक महापाप रे गणा जाइछि। तेणु स्वर्ण चोरी महापाप, केबे भी कौनसी परिस्थिति रे पड़ी आपण स्वर्ण चोरी करंतुनि, स्वर्ण चोरी ठारु दूरै रहंतु। जेते बड़ खराब परिस्थिति आसु आपण न खाई उपास सोई पड़ंतु मध्य, किंतु स्वर्ण चोरी परी महापाप केबे भी जीवन रे करंतु नाही। चतुर्थ महापाप। चतुर्थ महापाप होउछि गुरु पत्नी को दुर्व्यवहार करिबा। आपणक गुरुजन, आपणक ठारु वयस्क लोक जहाँ को आपण गुरु बोली मानुछंती, कि आपणक शिक्षा गुरु हो कि दीक्षा गुरु हो, आपणकर जे कोनोसी गुरु हो गुरुजन होंतु, आपणक गुरुजनक पत्नी सहित जदि आपण दुर्व्यवहार करुछंती, तांक प्रति आपण खराब नजर रे देखुछंती, खराब दृष्टि रे चाहुछंती, तबे गुरुपत्नी को आपण जदि हरण करुछंती बा गुरुपत्नी को जे कोनोसी खराब भावना रे देखुछंती, सी एक महापाप। गुरुपत्नी को हरण करिबाटा, गुरुपत्नी को प्रति खराब दृष्टि रे देखिबाटा, गुरुपत्नी को असदाचरण करिबा, से भी पांच महापाप भितरु गोटिए महापाप। तेणु गुरुपत्नी को केबे भी खराब दृष्टि रे देखंतुनि, गुरुपत्नी को सहित केबे खराब व्यवहार करंतुनि, गुरुपत्नी को सबुबेले सम्मान करंतु, गुरु को जेमिति सम्मान करुछंती गुरुपत्नी गुरुमाता को सेमिति सम्मान करंतु। तापर आसिला पांच नंबर महापाप। पांच नंबर महापापटी कौन ना, यही जो चारि महापाप ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण चोरी, गुरुपत्नी हरण बा गुरुपत्नी को खराब दृष्टि रे देखिबा, यही चारि महापाप को जेऊ लोक करूछि, आउ जणे लोक जदि ताकु ए सबु करिबा पई प्रवर्ताउछि, से निजे एई पाप करूनि, किंतु यही चारोटी पाप को जे करूछि ताकु सेई लोक समर्थन करूछि, ताकु जे समर्थन करूथिबो सिए होउछि पांच नंबर पापी, सिए भी गोटे महापापी। ये चारोटी पाप करूथिबा लोक को जे प्रोत्साहन दिए बा समर्थन करे सहयोग करे, सीए होची गोटिए महापापी। ए पांच पाप मध्यरु सीए गोटिए महापाप, ए चारि पाप को समर्थन करूथिबा लोक ए पांच पाप भितरु एक महापापी। तेणु ए पांच पाप ठारु आहुरी गोटे बड़ पाप अछि, से पापटी कौन, गुरु निंदा। आपणकर जे गुरुजन अछंती, आपणक स्कूल रो सारे होंतु बा आपणकर जे कोनोसी गुरु होंतु, आपणक पुरोहित होंतु, आपणकर कुलगुरु होंतु, जे कोनोसी गुरुंकर आपण जदि पछरे निंदा करुछंती, आगरे सम्मान करुथिबे, किंतु से चलीगला परे तांक पछपटे निंदा करुथिबे, से होची ए पांच पाप भितरु आहुरी बड़ पाप, ए पांच पाप ठारु आहुरी बड़ पाप महापाप। तेणु गुरु निंदा केबे करंतुनी,
ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପଛପଟେ କେବେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା କଥା ସାମ୍ନାରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ସାମ୍ନାରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ଭଳି ମହାପାପ ଜୀବନରେ କେବେ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଏଇ ପାଞ୍ଚ ମହାପାପ ଯିଏ କରେ, ଏଇ ପାଞ୍ଚ ମହାପାପୀକୁ 100,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। 100,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ପାଞ୍ଚ ମହାପାପ ଯିଏ କରିଥାଏ, ସେଇ ଲୋକଟିର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ତା ଆତ୍ମା 100,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗେ। ସେଇ ନର୍କ ଭିତରେ ସେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାଏ, ସେ ନର୍କ ଯତ୍ରଣକୁ ସେ ଭୋଗ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ପାଞ୍ଚ ମହାପାପ ଠାରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ପାଞ୍ଚ ମହାପାପ ଭିତରୁ କୌଣସି ଏକ ମହାପାପ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ନିଜକୁ ଏ ପାପ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଦୂରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ପାପରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶରଣ ରକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାପ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହିଭଳି ପାପ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ଏହିପରି ପାପ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିପରି ପାପ ଯଦି କିଏ କରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁନି, ବରଂ ସେହି ପାପରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଏ ପାଞ୍ଚ ମହାପାପରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।